हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रशिका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू मंथ की मैगज़ीन, जो कि अगस्त मंथ की मैगज़ीन आ चुकी है। तो इस बार बहुत पहले ही आ गई ये मैगज़ीन, तो इसलिए आज ही पब्लिश हुई, इसलिए मैं आज ही इसके लेसन लेकर आ रही हूँ। लेकिन इससे पहले जो हमारी जुलाई मंथ की लेक्चर चल रही थी वो ऑलरेडी चलते रहेगी, उसको मैं पूरी कंप्लीट कराऊंगी। ऐसा मत सोचिए कि बीच में ही छोड़ दूंगी, उसे कंप्लीट कराऊंगी। कल आपका इन्वायरमेंट का फर्स्ट लेसन आ चुका था, आज सेकेंड लेसन आपको रात तक या फिर कल मॉर्निंग तक देखने को मिलेगी। ओके, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू फ्रेश मंथ से। जब ये जिस दिन आती है मैं उसी दिन यहाँ पर आपके लिए लेक्चर लेकर आती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है न्यू मैगज़ीन पढ़ना। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुराने मैगज़ीन को कंप्लीट नहीं करना है। ये आप इस बार जो है वीज़न आईएएस की प्रॉब्लम है कि वो जल्दी यहाँ पे मैगज़ीन ले आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी एज़ यूजुअल पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जो कि इस बार आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलेगा। आर्टिकल 370 है, 35A है, NRC के बारे में देखेंगे, सोशल मीडिया को किस तरीके से रेगुलेट करना है, साथ ही इंडिया इंटरप्राइजेस एक्ट आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क देखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में जो मोर जजेस की फंडा थी, यानी कि और 33+1 यहाँ पर जजेस की बात की जा रही थी, तो उसके बारे में भी यहाँ पे अच्छी आर्टिकल है। चलिए उसको देख लेते हैं। तो 5 आर्टिकल टोटल है, तो देखते हैं कि आज मैं कितना कंप्लीट करा पाती हूँ हाफ एन आवर में, फिर जितना बच पाएगा वो कल करा दूंगी। ओके, तो बाकी प्रीवियस आपको कोई भी मैगजीन्स की, अगर कोई भी मंथ की मैगजीन्स अगर आपको पढ़नी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर स्टार्टिंग से देख सकते हैं। हर एक मंथ की मैं अलग से प्लेलिस्ट बना देती हूँ और उसी में सारे को ऐड कर देती हूँ, तो आप आराम से देख सकते हो। साथ ही इस मैगजीन की आपको PDF चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जो कि रिसोर्स पॉइंट है। वहीं पर आपको मेरी अकेडमी की और YouTube की सारी रिक्वायर्ड लेसन्स की लिंक वहीं मिल जाएगी, और साथ में जो भी PDF चाहिए वहीं पे मिल जाएगी। ओके, तो इस बार की ये आपकी जितनी भी कंटेंट है आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम लोग शुभारंभ करते हैं अपनी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि है आर्टिकल 370 एंड 35A की रिमूवल के बारे में। ओके, तो ऑलरेडी जो पॉलिटी से रिलेटेड इसकी जो बेसिक यहाँ स्टैटिक पोर्शन थी वो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। जो आपका पॉलिटी वाला लेक्चर चलता है तो उस पर मैं करंट अफेयर्स से जोड़कर जो जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो उस पर ये मैं टॉपिक पढ़ा चुकी थी। तो यहाँ पे जितनी भी बातें बताई जा रही है मैं उसको यहाँ पे बता देती हूँ, साथ ही आप मेरे पॉलिटी वाले लेसन से उसको भी देख लीजिएगा, जिससे कि आपका हॉलिस्टिक वे में पूरी तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि सेंटर यहाँ पे डिसाइड कर चुकी है कि जो भी यहाँ पे स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा था जम्मू एंड कश्मीर को, और ये स्पेशल स्टेटस जो है आर्टिकल 370 के तहत उनमें दिया जा रहा था, तो इसको अब ख़त्म किया जाएगा। और क्या न्यूज़ में है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट के कंकरेंस के साथ ही यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और जो आपका ऑर्डर 2019 एक्ट है उसको लेकर आई है, जिसमें ये कहा गया है कि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं कि जो कि आपके स्टेट में एप्लीकेबल होगा। इट मीन्स कि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने सभी प्रोविजंस हैं वो सब अब जम्मू एंड कश्मीर के भी स्टेट में सारे कुछ यहाँ पे आपका लागू होगा। पहले क्या था कि जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था और बाकी रेस्ट ऑफ द जितने भी हमारे स्टेट्स थे 28 स्टेट्स से, उसमें हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी प्रोविजंस थी वो लागू की जाती थी। लेकिन अब क्या है कि उसकी जो एक अलग से स्पेशल प्रोटेक्शंस जो यहाँ पे दिया जाता था, स्टेटस दिया जाता था आर्टिकल 370 के तहत, और उनका जो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था वो सबको एंड कर दिया गया है। अब जम्मू एंड कश्मीर में भी हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है उसी को वहां पे भी फॉलो किया जाएगा। इसका मतलब है कि जितने भी सारे प्रोविजन है जो कि एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का था उसको खत्म कर दिया गया है, और यहां पे जो आर्टिकल 35A था, आर्टिकल 35A जो है एक अलग से आपका आर्टिकल था जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रोविजंस था, स्पेशल प्रोविजंस जो है जम्मू एंड कश्मीर वाले लोगों को दिया जाता था जो कि वहाँ के परमानेंट मेंबर होते थे, परमानेंट वहाँ के सिटीजन होते थे, तो इसको भी ऑटोमेटिकली हटा दिया गया है। अब इसके साथ जो है एक स्टैटटरी रिजोल्यूशन जो है पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पर अप्रूव किया गया था, जिसमें कि जो भी अथॉरिटी है जो कि यहाँ पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के इफेक्ट से यहाँ पर फ्लो हो रही थी, जैसे कि प्रेसिडेंट यहाँ पर बताए थे कि जो आपका आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, तो जितनी भी यहाँ पर जो अथॉरिटी फ्लो हो रही थी सबको यहाँ पे हटा दिया गया है। ओके, और एक स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है। साथ ही साथ इसके एक एक्ट भी पास की गई है जिसको कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कहा जा रहा है। ये आपका फिर से यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पहले तो जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर आपका यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, साथ ही UT जो है आपका लद्दाख बना दिया गया है। यानी कि आपका जम्मू एंड कश्मीर जो बनाया जा रहा है एक यूनियन टेरिटरी ऐसा है जिसमें कि आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगा, लेकिन जो लद्दाख है वो एक ऐसा है जिसमें कि आपको लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं देखने को मिलेगा। तो इस मैप के थ्रू आप देख सकते हो,
पहले क्या था, यानी कि जब इसको 370 को हटाने के पहले एक जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से एक स्टेट थी, वन स्टेट थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि यहाँ पे दो यूनियन टेरिटरीज बन गई है, यानी कि ये आधा आधा पोर्शन हो गया। ये पूरा लद्दाख वाला रीजन है जिसको एक यूनियन टेरिटरी कहा जा रहा है, इसमें खुद का एक लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगा, ये जम्मू एंड कश्मीर है जिसमें कि खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। अब इस तरीके का हमारा कुछ मैप क्रिएट हो चुका है, ऊपर वाली जम्मू है, नीचे वाली जो है, ऊपर वाली कश्मीर है, नीचे वाली जम्मू है, और इस तरीके से ये आपका लद्दाख वाला पोर्शन हो गया। ओके, तो जहाँ भी मैप की ज़रूरत होती है प्लीज़ उसको कंसल्ट कर लिया कीजिए, यानी कि मैप ज़रूर देखा कीजिए, इससे आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। अब आते हैं, एक ब्रीफ बैकग्राउंड समझते हैं आर्टिकल 370 और 35A के बारे में। जो जम्मू एंड कश्मीर का एक पिकुलियर पोजीशंस था वो क्यों था, क्योंकि स्टेट जो है ना वो इंडिया में एसिड कर रही थी और वो कुछ सर्कमस्टांसिस से ही वहाँ पे एसिड की थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे डिक्लेयर किए थे कि जितने भी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के जो लोग हैं ना उनको यहाँ पे जो है एक स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा और वहाँ पे जो है उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो कि फाइनली वो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट का डिटरमाइन किया जाएगा और जितनी भी ज्यूरिस्डिक्शंस होगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर होगी। यानी कि जब पहले जब यहाँ पे एसेशन की बात हो रही थी तो एसेशन में जम्मू एंड कश्मीर जो है थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जब हमारा जब आज़ाद हो गया था देश तो उस समय जम्मू एंड कश्मीर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को लुभाने के लिए जो है इंडियन गवर्नमेंट क्या की थी कि उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वहाँ पे और उसी के द्वारा जो है वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए थे जो कि उसके द्वारा वो सारे प्रोविजंस को फॉलो करते थे। यानी कि जो भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशंस की थी वो यहाँ वहाँ पे एप्लीकेबल होती थी लेकिन स्टेट के अकॉर्डिंग, जो उनका स्टेट का था उसी के नेचर पे वो चलते थे। तो इससे क्या था ना कि यहाँ पे कुछ प्रोविजंस था जो कि रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है आर्टिकल 370 रख दिया गया था जिसमें कि पूरी डिटेल जो है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थी कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को यहाँ पे कुछ स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 370 जो था ना वो टेम्प्रेरी प्रोविजंस था, यानी कि ये परमानेंट नेचर में नहीं था। जितनी और भी ज़्यादा आपको आर्टिकल देखने को मिलेगी वो परमानेंट होती है, लेकिन आर्टिकल 370 को यहाँ पे टेम्प्ररी रखा गया था जो कि स्टेट को एक स्पेशल पावर दे रही थी कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो एक्सेप्ट, यानी कि कुछ यहाँ पे आपका प्रोविजंस है जो कि उनको नहीं दिया गया था, तो वो है आपका डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। तो पार्लियामेंट को यहाँ पे ज़रूरत थी कि स्टेट गवर्नमेंट से कंकरेंस करे जितनी भी यहाँ पे दूसरी लॉ बनाई जा रही थी उसके लिए। इन सारी चीज़ों को छोड़कर, यानी कि डिफेंस सेक्टर, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन को छोड़कर, बाकी और जितने भी तरीके के जितने भी फील्ड के लॉ बनाए जा रहे थे, तो पार्लियामेंट को उनके स्टेट गवर्नमेंट से वहाँ पे परमिशन अप्लाई करने के लिए परमिशन लेना ज़रूरी था। परमिशन नहीं कह सकते हैं, वहाँ का एक कह सकते हो कि सलाह मशवरा करके ही सारे लॉ को वहाँ पे भी इस्टेब्लिश किया जा रहा था। आर्टिकल 35A अगर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की देखें तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली को कुछ पावर देती थी कि वो वहाँ पे डिफाइन कर सके कि जम्मू एंड कश्मीर के कौन परमानेंट रेसिडेंट है और उनको एक स्पेशल राइट और कुछ प्रिविलेजेस देना है। तो ये डिफरेंस है आपके आर्टिकल 370 और 335A के बीच में। 35A मेनली जो है परमानेंट रेसिडेंट को वहाँ पे डेजिग्नेट करती थी, साथ ही उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिया जाता था। अब क्या क्या दिया जाता है वो हम लोग आगे देखेंगे, और वही 370 जो है एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। अब देखते हैं कि कैसे जो है आर्टिकल 370 और 35A जो है हटाना पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि बहुत सालों से इस पर डिस्कशन देख रहे हैं। आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडेंस हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटा देना चाहिए। काफ़ी आप लोग भी इस चीज़ को सोचते होंगे जब भी आपसे इस विवाद के बारे में पूछा जाता है, लेकिन कई बार ये माइंड में हम लोग को कन्फ्यूजन होती थी कि क्या इसको हटाना इतना डिफ़िकल्ट है या फिर हम लोग इसको कैसे हटा सकते हैं, और अब जब हट गया है तो कैसे ये पॉसिबल हो पाया कि इसको हम लोग इतने आसानी से हटा पाए। तो प्रेसिडेंट जो है यहाँ पे एक प्रेसिडेंशियल इशू ऑर्डर इशू की थी, वो भी आर्टिकल 371 के तहत जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें एक क्लॉज रखा गया था कि प्रेसिडेंट जो है ना वो सारे मैटर को यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकती है जो भी जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल होगा, लेकिन वो यहाँ पे जब भी जम्मू एंड कश्मीर में सारे लॉ को अगर एप्लीकेबल कराना चाह रही है तो वो वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट के साथ कंकरेंस जरूर करेगी, यानी कि तालमेल करके ही वहाँ पे सारे मैटर्स को स्पेसिफाई करेगी। साथ ही यहाँ पे जो भी अमेंड आपका किया गया है आर्टिकल 367 के तहत, आर्टिकल 367 में कुछ गाइडेंस रखी है कि किस तरीके से हम लोग कुछ प्रोविजंस को पढ़ सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो यहाँ पे आर्टिकल को अमेंड किया जा रहा है उसमें यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था कि जो एक्सप्रेशन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट का जो एक्सप्रेशन है, साथ ही जो आर्टिकल 370 के 3 में रखा गया कि हम लोग जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यानी कि उस स्टेट की जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली को कह सकते हैं। ओके, आर्टिकल 373 जो है यहाँ पे आर्टिकल 370 में प्रोवाइड करती है कि यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
असेंबली के साथ जो है इसको अमेंड किया जा सकता है, क्योंकि अमेंडमेंट का अगर हम लोग देखें तो ये अब जो है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा रिकमेंड करके ही यहाँ पर अमेंडमेंट कर पाएंगे। दूसरी वर्ड में अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट जो है ना कुछ पावर यूज़ कर रही थी जो कि आर्टिकल 371 के तहत यहाँ पे दिया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशंस में किस तरीके से इसको प्रोविजंस को अमेंड कर पाएंगे। तब यहाँ पे आर्टिकल 370 के 3 जो क्लॉज है उसको अमेंड किया गया। उसके बाद जो है एक ट्रिगर यानी कि स्टैट्यूटरी जो रिजोल्यूशंस है उसको यहाँ पे लिया गया। अब ये रिजोल्यूशंस क्या था कि आर्टिकल 370 को हटाना है और जम्मू एंड कश्मीर जो है अब प्रेसिडेंट रूल के अंदर आ चुकी थी। यानी कि आप लोग को पता है कि पिछले 1.5 साल से वहाँ पे पहले गवर्नर रूल लगी थी। हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई भी स्टेट में मीन्स जम्मू एंड कश्मीर के अलावा, आप देखो अब वैसे भी हमारा जम्मू एंड कश्मीर हमारा ही है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अलावा जितने भी 28 स्टेट्स थे वहाँ अगर स्टेट में कुछ भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनरी मशीनरी फेल हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करती है, तो डायरेक्ट जो है प्रेसिडेंट रूल लगता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अलग था कि पहले वहाँ पे गवर्नर रूल लगती थी, 6 महीने के गवर्नर रूल के बाद जो है वहाँ पे आपका प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो गवर्नर रूल लगने के बाद जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया था। अब प्रेसिडेंट रूल रहने का मतलब है कि वहाँ पे सारी जितनी भी प्रोविजन है वो प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग चलेगी। तो बस यहीं पर यही था कि गवर्नर भी उसी तरीके से काम कर रहे थे जैसे कि प्रेसिडेंट कह रहे थे, तो प्रेसिडेंट के कहे जाने पर ही गवर्नर काम करते हैं, तो अधिकतर आप लोग को वही देखने को मिलेगा। तो गवर्नर और प्रेसिडेंट एक जैसा काम करके जो है जम्मू एंड कश्मीर में उस तरीके से स्थिति को एक एस्टैब्लिश कर पाए कि जिसके थ्रू जो है आर्टिकल 370 को हटा पाए। ओके, तो आर्टिकल 370 अब हट चुका है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल चैलेंजेस देखते हैं कि इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल चैलेंजेस क्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, बहुत ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं कि अपोजिशन हो या फिर जितने भी जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि हम लोग गलत तरीके से इसको हटाए हैं। तो इसके अगेंस्ट में पिटीशन भी फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ पे चैलेंज किया जा रहा है कि जो भी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो रिसेंट एक्शन ली गई है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, अब ये फॉलोइंग लीगल इश्यूज देखते हैं जो कि यहाँ पे अटेंशन रिसीव कर रही है जुडिशियल डेलिब्रेशंस के कोर्स में। अब देखते हैं कि क्या क्या बातें की जा रही है। लीगलिटी यहाँ पे बात की जा रही है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का, यानी कि जो आर्टिकल 370 है वो अपने आप में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू। इवन दो जो ऑर्डर यहाँ पे अमेंड किया गया है आर्टिकल 367 के तहत जिसमें कि अमेंडमेंट का कंटेंट रखा गया है, तो यहाँ पे अमेंड किया गया है आर्टिकल 370, यानी कि आर्टिकल 370 में अगर आपको कुछ भी अमेंड करना है तो सबसे पहले आपको आर्टिकल 367 को अमेंड करना होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है ना यहाँ पे मल्टीपल ओकेजन रखी है कि आप यहाँ पे इनडायरेक्टली जो है ना इनडायरेक्टली कोई काम नहीं कर सकते जो कि आप डायरेक्टली भी नहीं कर सकते। तो लीगैलिटी ऑफ ऑर्डर की बात करें तो इन सो फार यहाँ पे जो आर्टिकल 370 है उसको अमेंड करने के ऊपर अभी भी क्वेश्चनेबल है, यानी कि क्वेश्चन मार्क अभी भी लगा हुआ है। दूसरी यहाँ पे बात की जा रही है कि जो कि प्रेसिडेंट रूल जब लगा था जम्मू एंड कश्मीर में तो कहा जा रहा है कि उसका मिसयूज़ किया गया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको मिसयूज़ की गई है और यहाँ पे गवर्नर को उस तरीके से बनाया गया है जो कि यहाँ पे इलेक्टेड असेंबली के हैं। तो गवर्नर जो है वो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट में, यानी कि जैसे भी यूनियन गवर्नमेंट कहती है वो उसी के हिसाब से काम करते हैं। इसके इफेक्ट में अगर हम लोग देखें तो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे खुद को कंसल्ट भी करते हैं। अगर हम लोग देखें तो प्रेसिडेंट रूल जो है वो एक तरीके का टेम्पररी है, यानी कि कुछ ही पीरियड तक प्रेसिडेंट रूल लगती है। इसका मतलब है कि स्टैंड तब तक करेगी जब तक यहाँ पे कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं रिस्टोर हो जाती है, और जो परमानेंट कैरेक्टर का जो डिसीज़न है ना, जैसे कि कोई भी इंटायर स्टेट को यहाँ पे स्टेटस, कोई भी इंटायर स्टेट की जो स्टेटस है उसको चेंज करना है, यानी कि यहाँ पे आपका जो विदाउट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके स्टेटस को यहाँ पे चेंज कर दिया गया, यानी कि प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर यहाँ पे जो है हम लोग स्टेट को, जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को स्टेटस को चेंज करके यूनियन टेरिटरी में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। इट मीन्स कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट के एब्सेंस में ये सारी काम की गई है, तो इसी को ये कहा जा रहा है कि ये मिसयूज़ हुआ है। कम से कम वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट तो होते, इलेक्टेड गवर्नमेंट कौन होते हैं, वो हमारे जनता के कॉन्फिडेंस होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है, हर एक स्टेट के आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर लोग को हम लोग भेजते हैं वहाँ पे चुन कर आते हैं, तो इसलिए इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्टेट असेंबली है वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साथ इक्वेट कर रही है, यानी कि अगर हम लोग डिफरेंस देखें उनके एक्सरसाइज करने के, उनके पावर करने के, उनका जो भी पावर दिया गया है उनको एक्सरसाइज करने के लिए एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो अदर डेवलप किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को उसके ऊपर में ये बात की जा रही है कि जो स्टेट असेंबली है वो अलग तरीके से काम कर रही है और जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अलग तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो जम्मू एंड कश्मीर की है वो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रोविजन को फॉलो करती है, वही
वही अगर हम लोग दूसरे स्टेट असेंबली की बात करें तो वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस को फॉलो करती है, तो ये यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है ना, उसके अगेंस्ट में ये काम किया गया है ऐसा कहा जा रहा है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर यहाँ पे जो एज्यूम किया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो यहाँ पे एक पावर है कि हम लोग 370 को हटा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 147 जो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इस तरीके के मूव्स को रोकती है कि इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। साथ ही जो आर्टिकल है वो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी तरीके का अगर चेंज किया जा रहा है तो अप्रूवल यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के 2/3 मेंबर का लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि हम लोग जो है जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को हटा दिए, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का चेंजेस चाहिए तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके मेंबर का हम लोग को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, अप्रूवल की ज़रूरत है, तभी हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्या किए, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट क्या की है कि डायरेक्ट वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर 370 को हटा दिए, किसी से भी कोई भी यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं लिया गया, किसी से भी किसी भी तरीके का परमिशन नहीं लिया गया। अब आपको लगता है कि अगर ऐसा परमिशन का वेट करते, लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑर्डर का वेट करते, इलेक्टेड गवर्नमेंट का वेट करते तो क्या ये मूव हो पाता? आज तक नहीं हो पाया है तो अब क्या हो पाता? इसीलिए मजबूरन जो है इंडियन गवर्नमेंट को इस तरीके का स्टेप लेना पड़ रहा है, जहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग इसके फॉर में हो, अगेंस्ट में हो? आप मेरे साथ भी कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो। अपना अपना एक थॉट जरूर आप लोग डेवलप कीजिए जो कि आपके इंटरव्यू में और कहीं पे भी आपको बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना जो मॉडरेट डिस्कशन होता है ना, तो उसमें आप अपने व्यू को एक अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो 370 हटाया गया वो यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया, इलीगल तरीके से हटाया गया, या फिर इसको पूरी तरीके से सहमत जम्मू एंड कश्मीर के लोगों और गवर्नमेंट के सहमत के साथ हटाना चाहिए था? आप लोग क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताइएगा। कंक्लूजन में यहाँ पे लिखा है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू एंड कश्मीर की फंक्शन कर रही थी तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट चल रहा था इस आर्टिकल 370 को स्टार्ट करने में। तो यहाँ पर डिसॉल्यूशन से पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, वो यहाँ पर रिकमेंड ही नहीं कर पा रही थी कि आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर देना चाहिए या फिर इसको परमानेंट कर देना चाहिए। ऐसे तो आर्टिकल 370 का जो नेचर है वो टेम्प्ररी है, तो जब यहाँ पर डिसॉल्व होने से पहले, जो वहाँ की आपकी असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, तो उससे पहले इस टॉपिक पर वहाँ पर बहस हो रही थी, लेकिन बहस में कोई तरीके का कंक्लूजन नहीं निकल पाया। ऐसा नहीं कि डिस्कशन नहीं किया गया, डिस्कशन किया गया, लेकिन वहाँ पर कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा था कि आइदर इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए या फिर इसको अमेंड करके परमानेंट कर देना चाहिए। यहाँ पे रिमेन एक तरीके का आपको मैनर दिख रहा होगा कि आर्टिकल 370 जो है ना उसको रिपील किया जा रहा है और अब जो है ये जुडिशियल रिव्यू के टेस्ट में आ चुका है, यानी कि जुडिशियरी अब इसको देखेंगे कि किस तरीके से इसको रिपील अगर हटाया गया तो सही तरीके से हटाया गया है कि नहीं, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में। आर्टिकल 370 की बात करें तो यहाँ पे कुछ स्पेस प्रोवाइड करी है, वो भी गवर्नर के मैटर में, गवर्नेंस के मैटर में, और वो भी स्टेट के लोगों में कि जो कि डीपली यहाँ पे वल्नरेबल है और उनके आइडेंटिटी का इनसिक्योर का, उनके फ्यूचर इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से सारी पहचान उनका आर्टिकल 370 था और साथ ही आर्टिकल 35A था। अब इस दोनों को हटा दिया गया है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो गए, उनको लग रहा है कि उनका फ्यूचर अब यहाँ पे इनसिक्योर है। तो ये एक तरीके का कंसर्न है जो कि यहाँ पे कॉमन पीपल जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं उनके लिए है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो एक होप है कि ये जो मूव हम लोग लिए हैं ना, ये एक डेवलपमेंट की जगह पे है, यानी कि हम लोग एक बेटर तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट कर पाएंगे, साथ ही जम्मू एंड कश्मीर को पूरे इंडिया में अच्छे तरीके से इंक्लूड कर पाएंगे। आज भी जम्मू एंड कश्मीर जो है हमारे इंडिया की जो मैप है उसमें आपको देखने को मिलेगा, एक साथ देखने को मिलेगा, लेकिन हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर के साथ जो फीलिंग्स है, लोगों का जो अटैचमेंट है वो नहीं है। तो इस तरीके के मूव से अब ये हो सकता है कि हम लोग भी फ्रीली जो है आउट गोइंग इन गोइंग हो सकता है जम्मू एंड कश्मीर में, और जो लोगों की जो फीलिंग से वो यहाँ पे मैच हो सकती है। साथ ही यहाँ पे जो भी वॉइस यहाँ पे रेस किया जा रहा है वो भी डिप्राइव्ड और मार्जिनलाइज्ड जितने भी लोग हैं ना उनके लिए किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही सालों से आप देख रहे हो कि अलग अलग, जब हमारा जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में हुआ, 1947 के बाद आपको कुछ सिटीज़ देखने को मिलेगा जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और कोलकाता, ऐसी सिटीज़ है हमारे यहाँ की जो कि मोस्ट 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 डेवलप हो चुके हैं। वैसे ही अगर इसी के बारे में हम लोग देखें जम्मू एंड कश्मीर का, तो जम्मू एंड कश्मीर बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, तो इसीलिए सरकार इसको हटाई है 370, ताकि कि अब गवर्नमेंट जो है आराम से वहाँ पे के एक अच्छा डेवलपमेंट कर सके, जितने भी लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर के उनको सारी तरीके की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। ओके, तो ये पूरी आर्टिकल रही आपकी 370 और 35A के बारे में। यहाँ पे एक इन आपका बॉक्स में कुछ प्रोविजंस था
कि क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है, पॉसिबल इम्प्लीकेशन जो कि आपको पता होना चाहिए. ओके क्योंकि क्वेश्चंस अगर मेंस का आप लिख रहे हो कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस मूव का, तो जैसे कि क्या है कि यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस जो कि आपका कंप्लीट एप्लीकेबिलिटी हो सकती है, अब पूरी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में क्या एप्लीकेबल होगा, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा उनका, वहाँ पर कोई भी सेपरेट फ्लैग नहीं होगा. हम लोग जानते हैं कि हमारी जो है एक जम्मू एंड कश्मीर है जिसमें कि अलग वो अपना फ्लैग लेते हैं. साथ ही जो जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली का टेन्योर है ना, वो अब यहाँ पे 5 साल हो जाएगा. पहले क्या था उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 6 साल था. साथ ही जो रणबीर पेनल कोड है ना, उसको हटा के अब हम लोग इंडियन पेनल कोड को लगाएंगे, यानी कि जो पूरे इंडिया में चलता है आईपीसी कोड, वही अब वहाँ पे भी चलेगा. जम्मू एंड कश्मीर में रणबीर पेनल कोड चलता था. साथ ही आर्टिकल 356 जो है ना, जिसमें कि प्रेसिडेंट रूल जो है किसी भी स्टेट में इम्पोज होता था, तो अब यहाँ पर इम्पोज होगा जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में भी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नर रूल होता था, प्रेसिडेंट रूल बाद में आती थी, लेकिन अब क्या है कि प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे होगी. साथ ही जो सेंट्रल कोटा लॉज है ना स्कूल कॉलेजेस एडमिशन में और स्टेट गवर्नमेंट जॉब में, वो भी अप्लाई किया जाएगा. साथ ही दूसरे स्टेट के जो लोग हैं ना, वो ईजिली वहाँ पर जाके अपने प्रॉपर्टी बना सकते हैं, ज़मीन वगैरह खरीद सकते हैं और अपने रह सकते हैं. साथ ही RTI भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा. जम्मू एंड कश्मीर में RTI नहीं होता था, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है वो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता था, तो इसलिए वहाँ के जो गवर्नर है, वहाँ के जो गवर्नमेंट है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं ये जनता को पता नहीं चलता था. अब RTI एक्ट भी वहाँ पर लागू होगा. कुछ प्रोविजन्स जो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो कि प्रॉपर्टी राइट डिनाई करते थे उन नेटिव वुमेन को जो कि उस पर्सन से शादी कर लेती थी जो कि जम्मू एंड कश्मीर के बाहर थे, तो अब उनको भी उनका प्रॉपर्टी ज़रूर मिलेगा. ऐसा होता था कि जम्मू एंड कश्मीर की जो भी वुमेन है, गर्ल है, अगर वो जम्मू एंड कश्मीर के बाहर वाले लड़कों से शादी कर लेती थी, दूसरे स्टेट के लड़कों से शादी करती थी, तो उनको उनके खुद के प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया जाता था. लेकिन अब ये चीज़ नहीं हो सकता, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के. ओके तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी इम्प्लीकेशंस है जो कि इस मूव से होगा, यानी कि अब पूरा हमारा इंडिया एक हो चुका है. अब कहीं से भी कोई भी तरीके का अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अलग फ्लैग नहीं है, अलग उनकी खुद की मंशा नहीं है. ओके सारी पूरी इंडिया में एक ही तरीके से हमारी टेरिटरी के अंदर एक ही तरीके से काम होगा, एक ही तरीके से सारी चीज़ें होगी. ओके अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स. बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक चुका है NRC में, पिछले 2 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं और साथ ही हर एक बार आपको UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है. लास्ट ईयर मेंस में भी इससे क्वेश्चंस थी, तो इस बार भी चांसेस है क्वेश्चंस बनने का, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है ये टॉपिक. तो न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि अब यहाँ पे अपडेट और फाइनल NRC यहाँ पे निकल कर आई है, जो कि वैलिडेट कर रही है कि इंडियन सिटीजन्स ऑफ आसाम, यानी कि कौन आसाम के इंडियन सिटीजन्स है, उसको यहाँ पे वैलिडेट कर रही है. और रिसेंटली यहाँ पे रिलीज़ किया गया है कि 19 लाख एप्लीकेंट से भी ज़्यादा जो है ना, वो यहाँ पे इस लिस्ट में बनने से फेल हो चुके हैं. यानी कि अप्रॉक्स आप 20 लाख समझ सकते हैं कि 20 लाख ऐसे सिटीजन्स है आसाम के जो कि वो NRC में अपना जगह, अपना नाम नहीं बना पाए हैं. अब समझते हैं कुछ बैकग्राउंड में सर चल के. NRC जो है एक रूट है जो कि आपको आसाम एकॉर्ड में देखने को मिलेगा, और मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट है जो कि यहाँ पे आसाम स्टेट स्टूडेंट यूनियन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में 1985 में साइन किया गया था. ये जो एकॉर्ड है ना, ये आपका एक वायलेंट उस समय हुआ था 1980s में, जो कि एंटी माइग्रेंट मूवमेंट थी. यानी कि आसाम अगर आप स्टेट देख रहे हो, तो आसाम के नीचे जो है आपका बांग्लादेश ज्वाइन किया गया. रुकिए मैं मैप में दिखाती हूँ. इस मैप में आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पे हमारा आसाम है जो कि नॉर्थ ईस्ट एक स्टेट है, और ये है बांग्लादेश. तो उस समय क्या हो रहा था कि 1980 में बहुत सारे यहाँ पे दंगे हो रहे थे. साथ ही ये बांग्लादेश जो थी, पहले हम लोग की ईस्ट पाकिस्तान थी, ईस्ट पाकिस्तान से इसको आज़ाद करके यहाँ पे बांग्लादेश बना दिया गया. वो भी उसके बाद क्या हो रहा था कि एंटी माइग्रेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे आपका जब वॉर हो रही थी 1972 से, तो उस समय भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉर हो रही थी, जिससे कि बहुत सारे लोग जो है ना, ये यहाँ से भाग कर जो है आसाम आ रहे थे. कुछ मेघालय आ गए, कुछ यहाँ पे आपके त्रिपुरा आ गए, कुछ वेस्ट बंगाल आ गए. तो अगल बगल की जितनी भी इनको स्टेट देखी, उसी में वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गए थे. 1980s तक ये जो है माइग्रेंट वाला जो फंडा था वो चलते जा रहा था, लोग जो है अपने कंट्री को छोड़ के माइग्रेट होते हुए आ रहे थे. तो इसलिए यहाँ पे आसाम एकॉर्ड लेकर आया गया, जो कि आसाम के स्टूडेंट एसोसिएशन और जो आसाम के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो आसाम के स्टूडेंट एसोसिएशन है, उनके बीच में ये आसाम एकॉर्ड किया गया. और वो लोग जितने भी बाहर से, यानी कि मेनली जो बांग्लादेश से जो लोग माइग्रेंट होकर आए थे, उनको उनके कंट्री में वापस करने का एक फंडा है. और साथ ही कितने जो है आसाम के मेन सिटीजन्स हैं, उनको फाइंड आउट करने की यहाँ पे मंशा की जा रही है. ओके तो एकॉर्ड बस इसीलिए आया है
क्योंकि यहाँ पे जितने भी इलीगल माइग्रेंट हो रहे थे ना, क्योंकि लोग अपनी कंट्री को छोड़कर इंडिया में इंटर कर गए, तो यानी कि इलीगल माइग्रेंट हो गए वो, यहाँ पे कोई भी कागज़ वगैरह लेकर नहीं आए, तो इलीगल माइग्रेशन को यहाँ पे रोकने के लिए, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे लोग जो है बांग्लादेश से उठ के आ रहे थे, तो आसाम के लोग जो है ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए थे कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर बांग्लादेश के लोग उस कंट्री में, उस स्टेट में अगर इंटर कर गए, तो कहीं आसाम के लोग को वहाँ पर माइनॉरिटी ना साबित करना पड़े, तो इसलिए वो माइनॉरिटी नहीं होना चाह रहे थे, और इलीगल माइग्रेशन को रोकने के लिए जो है वो वहाँ पे इस तरीके का एकॉर्ड साइन हुआ। तो आसाम एकॉर्ड के बारे में समझते हैं। ये एक तरीके का मेंबर ऑफ सेटलमेंट है जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो जितने भी लीडर थे आसाम मूवमेंट का, वो 15 अगस्त 1985 को साइन किया गया। इसमें एक प्रोविजंस रखा गया है कि जितने भी फॉरेनर हैं, यानी कि जो यहाँ पे आसाम में आए हैं 25 मार्च 1971 के बाद से, तो उनको यहाँ पे डिटेक्ट किया जाएगा और उनको डिपोर्ट किया जाएगा, यानी कि अपने कंट्री को वापस भेजा जाएगा, वो भी यहाँ पे एक्ट के थ्रू, जो कि है इलीगल माइग्रेशन डिटर्मिनेशन एक्ट 1983 का। साथ ही यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो भी डेलीगेशन है फॉरेनर्स का, वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉल रोल से निकल कर आएगा, यानी कि जितनी भी यहाँ पे आपका जो है 25 मार्च, ये आपको डेट याद रखना है, 1971 के बाद जो भी आसाम में इंटर किए उनको यहाँ पे जो है इलीगल माइग्रेंट कहा जाएगा। अब जो सिटीजन्स एक्ट है हमारा 1955 का, वो यहाँ पे अमेंड किया गया था जब आसाम एकॉर्ड हुआ था, तो सारे इंडियन ओरिजिन जो पीपल है ना, जो कि बांग्लादेश से आए थे 1 जनवरी 1966 के पहले, तो उनको हमारे यहाँ का सिटीजन्स माना जा रहा है। लेकिन जो यहाँ पे आपके 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच में आए थे ना, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है कि सिटीजनशिप ले सकते हैं, लेकिन उनको रजिस्टर कराना होगा और स्टेट में 10 ईयर्स तक रहना होगा। लेकिन जो 25 मार्च 1971 के बाद आए थे ना, उनको डिपोर्ट कर देना है, उनके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे यहाँ सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू भी हुआ है। 2014 में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट से पूछी थी कि जो 1951 का एनआरसी है उसको अपडेट किया जाना चाहिए, वो भी टाइम बाउंड मैनर में हो, यानी कि एक फिक्स टाइम कीजिए, उसी के बीच में इसको अपडेट कीजिए। आज के डेट में जो एक्सरसाइज किया जा रहा है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ही सुपरविजन्स में हो रही है। ओके, तो इतनी तो हम लोग डिटेल समझे कि यहाँ की बैकग्राउंड क्या है, कैसे यहाँ तक पहुँचे, लेकिन अब समझते कि एक्चुअली एनआरसी है क्या। एनआरसी स्टैंड्स फॉर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये एक तरीके का लिस्ट है जो कि आसाम के लीगल सिटीजन्स का एक लिस्ट है, और एक ओनली स्टेट आपको देखने को मिलेगा जो जिनके पास इस तरीके का डॉक्यूमेंट है। साथ ही ये एक गवर्न किया जाता है हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत, और सिटीजनशिप रूल्स जो 2003 की है, साथ ही 2010 की ऑर्डर ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ जो होम अफेयर्स है उनके द्वारा, और ये हमारे गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया गया था। इसमें उन सारे लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है जिनका नाम जो है इलेक्ट्रॉल रोल में है, और जो कि यहाँ पे मिडनाइट यानी कि रात तक जो आए थे 24 मार्च 1971 तक, और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो 1951 का था इसमें भी नाम है, और उनके डिसेंडेंट का यानी कि उनसे पहले जो यहाँ के लोग रह रहे थे उनका भी यहाँ पे अगर नाम है, तो उन सारे लोगों को यहाँ पे एनआरसी में इंक्लूड किया जा रहा है। अब एनआरसी भी होता है और एक सेंसस होती है। हमारे यहाँ सेंसस होती है इंडिया में जो कि हर एक साल का होता है। अब अगर हम लोग कुछ भी चीज़ यहाँ पे पॉलिसी लेकर आते हैं, तो हम लोग जनसंख्या को काउंट करते हैं कि कितने जनसंख्या है, और उस अकॉर्डिंग कोई भी पॉलिसी को लाया जाता है। तो आपका जो सेंसस होता है वो हर एक 10 साल में होता है। अभी जो हम लोग सेंसस फॉलो करते हैं वो 2011 का फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ जो सेंसस बनेगी वो 2021 की बनेगी। तो एनआरसी वर्सेस सेंसस में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। सेंसस एक आपके हमारे 10 साल में आती है और नेशनल लेवल में होती है, और ये एक तरीके का स्टेट है जिसमें कि आपका साइज कितना है इंडिया का और नेचर क्या है इंडियन पॉपुलेशन का, ये डिस्कस करते हैं। लेकिन एनआरसी एक तरीके का यूनिक एक्सरसाइज है जिसमें कि हमारे सिटीजनशिप को, जो कि सिटीजन्स के साथ रह रहे हैं उनको यहाँ पे प्रूफ करना हो रहा है, यानी कि हम लोग किसी भी तरीके से प्रूफ कर रहे हैं, हम लोग सेंसस में प्रूफ नहीं कर रहे, हम लोग ऑलरेडी सिटीजन्स हैं। साथ ही हम लोग की पॉपुलेशन जनसंख्या को यहाँ पे काउंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो एनआरसी है उसमें प्रूफ करना पड़ रहा है, और ये एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जिसके थ्रू जो है ना लोगों का पता चल रहा है कि आसाम में एक्चुअली सिटीजन्स ऑफ इंडिया कौन कौन है जो कि आसाम में रह रहे हैं। ओके, तो ये दोनों बात पता चली। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो कट ऑफ डेट है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, यानी कि जो कट ऑफ डेट किया जा रहा है, कट ऑफ डेट जो है एक क्रिटिकल बोन ऑफ कंटेंशन है जिसमें कि हम लोग जितने भी स्टेटस है माइग्रेंट का जो कि पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं उसको डिटरमाइन कर रहे हैं, और ये कट ऑफ डेट आपका डिफाइन किया गया है मार्च 25, 1971, जिसमें कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनता है ना वो यहाँ पे क्रैकडाउन करना स्टार्ट किए थे, वो भी फ्रीडम फाइटर्स में और ईस्ट पाकिस्तान के जितने भी सिविलियंस थे।
तो लार्ज स्केल जो एट्रोसिटीज़ है ना वो यहाँ पे काफ़ी स्टीडियस हो गई थी, और 10 मिलियन रिफ्यूजीज़ जो है इंडिया में इंटर किए थे, जो कि स्प्रेड हो रहे थे धीरे धीरे आसाम में, वेस्ट बंगाल में और त्रिपुरा वाले, यानी कि बांग्लादेश के जितने भी अगल बगल वाले स्टेट थे। इस तरफ आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे असम है और यहाँ पे मेघालय है, तो चारों ओर से जो है धीरे धीरे इंटर करना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये कट ऑफ डेट क्या है ये आपको याद रखना है। आप समझते हैं कि एनआरसी होने से क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला है कि ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन निकल गया, यानी कि यहाँ पे एक तरीके का कैप लगाया जा रहा है जिसके थ्रू हम लोग इलीगल जो माइग्रेशन है बांग्लादेश से उनको रोक सकते हैं। एक डिप्लोमेटिक और बॉर्डर मैनेजमेंट एफर्ट्स है जिसके थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे फेल्ड मीन्स एफर्ट्स जो है जो कि हम लोग कोई भी रिजल्ट लाने में फेल हो रहे हैं। जो दो मेन रीज़न है, पहला है कि बांग्लादेश जो है ना कि इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करना चाह रही है, दूसरा है कि जो पोरस बॉर्डर है यानी कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बहुत ही जो पतला सा बॉर्डर है वो यहाँ पे बॉर्डर मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में एक बैरियर पैदा कर रही है। एनआरसी जो है एक ऐसा देखा जा रहा है कि एक अल्टरनेटिव और फार साइटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस है जो कि यहाँ पे हो पाएगा। दूसरा यहाँ पे सिग्निफिकेंस है कि आइडेंटिफाई करना कि कितने लोग यहाँ पे आए हैं। एनआरसी यहाँ पे एक मच नीडेड पर्सपेक्टिव देगी कि किस तरीके से इलीगल माइग्रेशंस को हम लोग एक्सटेंड कर पाए। साथ ही जो इलीगल माइग्रेंट का जो फियर है ना कि उनकी डेमोग्राफी ऑफ स्टेट को चेंज कर दिया जाएगा, यानी कि जो इलीगल माइग्रेंट है वो आते हैं तो जो एक्चुअल जो सिटीजन्स होते हैं उस स्टेट के उनके डेमोग्राफी को चेंज करने की भी बात होती है, इन्फ्लुएंस हो जाता है पॉलिटिक्स का उस स्टेट में। तो इस हिसाब से क्या होता है कि आइडेंटिटी यानी कि जो ओरिजिनल जो लोग हैं यानी कि जो वैलिड लोग है उस स्टेट के उसका पता चलेगा। एक डिटरिंग टूल है यानी कि एक्सपेक्ट लगाया जा रहा है कि हमारी फ्यूचर माइग्रेंट जो बांग्लादेश से आए हैं ना वो यहाँ पे डेटर कर रहे हैं कि वो आसाम में इलीगली एंट्री किए, यानी कि कोई कागजात नहीं बस ऐसे ही घुस गए, पब्लिकेशन करेंगे, एक ड्राफ्ट अपने आप बनाएंगे कोई भी चीज़ का पब्लिकेशन करेंगे। तो ये सारी जो है एक प्रॉब्लम है कि एक डिटरिंग टूल है, यानी कि ये डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, साथ ही कहीं ना कहीं जो है आसाम को और हमारे कंट्री के लिए एक थ्रेट हो सकता है। जितने भी इलीगल माइग्रेंट है वो किस चीज़ के लिए आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और क्या मंशा लेकर आ रहे हैं ये तो हम लोग को पता नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक डिटरिंग टूल है जिसके लिए हम लोग इसको रोक सकते हैं। ओके अब कुछ ना कुछ तो इशू है, और एनआरसी जो है इतनी बड़ी पैमाने पे इतनी बड़ी प्रोग्राम चल रही है तो इसमें क्या क्या इशू है ये एक समस्या है। सबसे पहला है कि एक्सक्लूजन का फियर यानी कि जो बाहर निकालने का यहाँ पे डर है, ये एक तरीके का कंसर्न है कि एनआरसी जो है ना यहाँ पे इनकरेक्टली इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग पीपल्स के साथ ही एंड होगा। यानी कि आप समझ रहे हो कि पहली बार जो एनआरसी का रिजल्ट आया था उसमें 40 लाख लोग थे जो कि एक्सक्लूड रह गए थे, यानी कि वो अपना लिस्ट में नाम नहीं रख पाए थे। अब जो रिजल्ट निकल कर आया है 31 अगस्त को, तो इसमें यहाँ पे 20 लाख पीपल्स जो है वो बाहर रह गए हैं। तो मे बी तो ऐसा हो सकता है ना कि कुछ पीपल्स जो ऑडिशनल यहाँ पे रह गए हैं आसाम के हैं, शायद उनका डॉक्यूमेंट नहीं होगा, लीगल डॉक्यूमेंट नहीं हो पाएगा, वो लोग जुगाड़ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे भी दिक्कत हो रही है। साथ ही साथ जो न्यूज़ निकल कर आया है, जो रिजल्ट आया उसमें ये भी पता चल रहा है कि कुछ के पेरेंट्स का नाम तो है, पेरेंट्स का नाम है लेकिन उनके बच्चे का नाम नहीं है, कुछ के बच्चे का नाम आ गया लेकिन पेरेंट्स का नाम आया नहीं है, कुछ के हस्बैंड का नाम है उनकी वाइफ का नाम नहीं आया। तो इस तरीके से भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे एक डर है एक्सक्लूजन का कि गलत लोगों को हम लोग बाहर ना निकाल दें, हमारे खुद के सिटीजन्स को हम लोग जो है बाहर ना निकाल दें, ये एक तरीके का डर है। ओके साथ ही यहाँ पे जो इशू रिलेटेड है वो डी वोटर्स है। डी वोटर कहने का मतलब है कि जो डिसइनफ्रेंचाइज्ड है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा और वो एक अलाइज्ड लैक ऑफ प्रॉपर सिटीजनशिप जो क्रेडेंशियल है उसके अकाउंट में, यानी कि उनके पास जो है ना प्रॉपर सिटीजनशिप क्रेडेंशियल नहीं है, उसकी कमी के कारण भी हम लोग जो है यहाँ पे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। साथ ही हमारे माइनॉरिटीज़ का कंसर्न है कि अगर हम लोग एनआरसी को नहीं यहाँ पे अपडेट करेंगे तो क्या होगा कि जो आसाम के मेन लोग हैं, जो मेन सिटीजन्स हैं, उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी और वो लोग माइनॉरिटीज़ में काउंट होने लगेंगे, तो यहाँ पे उन लोग के लिए डर है, इसलिए इस चीज़ को यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है। सिटीजनशिप जो बिल अभी 2016 का आया है, यहाँ पे हिंदू के जितने भी इलीगल माइग्रेंट है ना उसको बनाया गया है, और कुछ सर्टेन अदर माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी बनाई गई है जो कि अगर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो है ना, यानी कि जितने भी माइनॉरिटीज़ है जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान है, वो एलिजिबल है कि वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। यानी कि अब आप समझ रहे हो कि हमारा जो सिटीजनशिप यहाँ पे अमेंड हुआ है उसमें हम लोग यहाँ पे आपको परमिशन दे चुके हैं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो लोग हैं यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो इंडिया के सिटीजनशिप ले सकते हैं। ओके
थर्ड है यहाँ पे कि कोई भी स्पेसिफाई पॉलिसी नहीं है कि हम लोग के जो फेथ है उसको यहाँ पे सर्टेन कर सके, यानी कि गवर्नमेंट जो है एक तरीके का पोस्ट एनआरसी इम्प्लीमेंटेशन को प्रिपेयर नहीं किए कि जैसे अभी 20 लाख पीपल्स जो बाहर रह गए उनका करना क्या है। हम लोग तो बांग्लादेश को आश्वासन दे दिए कि हम लोग अपने तरफ से लोगों को वहाँ नहीं भेजेंगे, लेकिन करेंगे क्या, बाहर निकाल के हम लोग यहाँ पर करना क्या चाहते हैं। तो ये एक तरीके का कोई स्पेसिफाई पॉलिसी नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि जो कि डिपोर्टेशन है इलीगल माइग्रेंट का, वो बांग्लादेश में जो है ना वो यहाँ पर ब्लिक हो जाएगा एज ए पीपल्स जो कि लिस्ट से जो एक्सक्लूड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ के बच्चे यहाँ पे छूट जा रहे हैं, कुछ की वाइफ छूट जा रही है, कुछ के पेरेंट्स छूट जा रहे हैं, तो इनका करना क्या है ये पता नहीं। सिक्योरिटी कंसर्न एक अलग सी बात है, यानी कि कंसर्न देखें तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेज हो रहा है, सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, स्टेटलेसनेस का इशू है, यानी कि एम्प्रिहेंसिव देखें और इंडिया जो है यहाँ पे इंडप हो रही है कि एक न्यूज़ जो कोहरेंट है, यानी कि स्टेटलेस पीपल। अगर आप सोचिए कि आप जिस स्टेट में रह रहे हो, 5 मिनट के लिए भी सोचिए कि आपको अपने स्टेट से हटाकर दूसरे कंट्री में भेज दिया जाएगा तो आप क्या करोगे। एक फियर हो जाता है, एक कंसियस हो जाती है, एक कंसर्न हो जाता है कि स्टेटलेस पीपल का करना क्या है। तो आप स्टेटलेस पीपल अगर हो जाइएगा तो आपका क्या होगा। अभी आप जहां भी रह रहे हो एक स्टेबल हाउस है, एक स्टेबल आपका जॉब है, एक स्टेबल एक सेटलमेंट है आपका किसी भी तरीके का। आप दूसरे कंट्री में जाओगे तो कैसे खाओगे, कैसे पियोगे, कैसे रहोगे, वो सारी चीज़ें हो जाती है। साथ ही यहाँ पे जो होम ग्रोन जो क्राइसिस है वो यहाँ पे निकल कर आ रहा है। जैसे रोहिंग्या पीपल्स के बारे में आप जानते हैं कि जिनको म्यांमार से भगा दिया गया था, तो रोहिंग्या पीपल वाला हरकत हो जाएगा हमारे यहाँ से। तो ये सारी यहाँ पे इशूज़ बताई जा रही है। साथ ही अब वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि फाइनली जो एक्सक्लूडेड इंडिविजुअल है उसके रिगार्डिंग, यानी कि ऑफिशियली जो यहाँ पे नॉन सिटीजन हो चुके हैं लेकिन इंडिया में यहाँ पे कोई भी तरीके का फिक्स्ड पॉलिसी नहीं है कि स्टेटलेस पर्सन का करना क्या है, स्टेटलेस पर्सन किनको कहेंगे, तो श्योरली जो है उनको वोटिंग राइट्स नहीं देना है लेकिन सर्टेन फैसिलिटीज़ देना है, वो भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में। सबसे पहला कि अगर हम लोग समझ जाएँ कि हमारे इंडिया के सिटीजन नहीं है, वो इलीगल तरीके से माइग्रेट होकर आए हैं, तो उनसे वोटिंग राइट छीन लीजिए, कुछ चीज़ें छीन लीजिए, लेकिन उनको कंट्री से मत भगाइए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उनको रहने दीजिए ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि उनका राइट टू वर्क जो है इस तरीके का उनके पास अधिकार है। सेकेंड है कि यहाँ पे जो भी इलीगल माइग्रेशंस कॉम्प्रिहेंसिवली है उनके इश्यूज को टैकल करना है। जो भी इलीगल माइग्रेंट है जो कि यहाँ पे आसाम में इशू हो रहा है, तो ये क्या है कि एक तरीके से यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है और होल जो इशू है उसको यहाँ पे आपका जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में भी निकल सकता है, जैसे वेस्ट बंगाल में, फिर ये दूसरे अदर पार्ट ऑफ कंट्री में भी जाएगा। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जैसे कि बॉर्डर मैनेजमेंट हम लोग को करना है, अच्छे से फेंसिंग करनी है, टोटल सर्वेलांस रखना है 24/7 और न्यू इमेजिंग टेक्नोलॉजी रखनी है कि अगर कोई भी लोग यहाँ पे बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे कंट्री में आ रहे तो हम लोग उनको यहाँ पे देख सके, उनके इमेजेस को कैप्चर कर सके, हम लोग पता लगा सके कि कौन कौन जो है न्यू यहाँ पे इलीगली माइग्रेंट हो रहे हैं। तो बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। साथ ही हम लोग को बायलेटरल एग्रीमेंट को भी फॉरगेंग करना है अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, जो कि यहाँ पे जितने भी जो नेशनल्स हैं उनको अपना वापस ले सके, जो कि इलीगल हमारे कंट्री में अगर आए हैं ना तो वो वापस अपने कंट्री में अपने लोगों को ले सके, ऐसा हम लोग को बायलेटरल एग्रीमेंट करना चाहिए। साथ ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा असिस्टेंस भी चाहिए, जैसे कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है और दूसरे कंसर्न इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं जिनका एक्सपीरियंस है इस तरीके से कॉम्प्लेक्स इशूज़ के, तो उनसे हम लोग को असिस्टेंट लेने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को रेगुलेट कर सके। साथ ही हम लोग को एक सार्क कन्वेंशन को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। इंडिया को ज़रूरत है कि वो यहाँ पे इनिशिएटिव ले जिसके थ्रू अदर्स कंट्री को हम लोग सार्क रीजन में इंकरेज करें कि सार्क कन्वेंशन को डेवलप करें और यहाँ पे रिफ्यूजी को डिक्लेयर करें, वो भी मेंबर स्टेट में जो कि यहाँ पे अग्री है कि 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन को रेटिफाई करें। ओके, तो ये सारी वे फॉरवर्ड बताई जा रही जो कि बहुत ही अच्छी वे फॉरवर्ड है, आप लिख सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। अब आगे का रोड यहाँ पे बताया जा रहा है कि सारे एप्रिहेंशन के यहाँ पे देखते हुए एनआरसी जो है एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप है जिसके थ्रू हम लोग इंडिया के सिटीजन्स को डॉक्यूमेंट दे पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे और जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनको डिटर कर पाएंगे। जो एनआरसी प्रोसेस है ना, करंट जंक्चर है, एक तरीके का आउटकम है जो दोनों तरीके से, जुडिशियल पुश भी और पॉलिटिकल बैलेंस भी, जो कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पावर को भी देख रहे हैं कि वो किस तरीके से इस चीज़ को बैलेंस करके चल रही है। साथ ही जो इंटायर प्रोसेस है उसको भी अच्छे से हम लोग यहाँ पे मॉनिटर करेंगे। साथ ही जो स्टेट का कॉरपोरेशन है वो भी यहाँ पे एक तरीके से सक्सेस की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं। तो एनआरसी एक तरीके का अच्छा यहाँ पे प्रोसेस बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इससे कुछ बेटर ही तरीके से हो सकता है, लेकिन मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो जितने भी एक्सक्लूड पर्सन हैं 20 लाख के अराउंड है, मीन्स 20-30 नहीं है या फिर 20,000-30,000 नहीं है, 20 लाख पीपल है, उनका होगा क्या, क्योंकि हम लोग बांग्लादेश भेजेंगे नहीं, बांग्लादेश वाले उनको अडॉप्ट करेंगे नहीं, तो उनका करना क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब
आपको किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए कहा जाए, या फिर आपका थॉट मांगे, या फिर आपको पॉजिटिव साइन मांगे, या फिर आपको इशू मांगे, जो भी चीज़ मांगे, आई होप कि आपको इस तरीके से आर्टिकल में सारी जवाब मिल जाती है. ओके, साथ ही यहाँ पे एक चीज़ है कि क्या क्या प्रोविजन्स है उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे NRC लिस्ट से बाहर है. तो आसाम के जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे लोगों को एश्योर्ड कर रहे हैं कि जो भी अपना नाम यहाँ पर देखे, मीन्स मिसिंग हो गया उनका नाम फाइनल NRC में, तो इमिडिएटली जो है उनको फॉरेनर या फिर इलीगल इमिग्रेंट नहीं कहा जाएगा. साथ ही कुछ जो लोग हैं ना जो कि यहाँ पे अलाउ किए गए हैं कि वो अपने प्रोटेस्टर्स के जैसा रजिस्टर कर सकते हैं विथ फॉरेन ट्रिब्यूनल, और वो जो है हाई कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हैं अगर इस मैटर से उनको फर्दर अपील करना है तो. साथ ही स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कुछ लीगल एड भी देगी उन गरीब को जो कि अपना नाम जो है लिस्ट में नहीं मिल ले पा रहे हैं. तो ये तीन तरीके का यहाँ पे आपका जो है प्रोविजंस रखा गया उन सारे लोगों के लिए जो कि अभी फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं देखे. सबसे पहला है कि उनको इमिडिएटली यहाँ पे फॉरेनर या फिर इलीगल इमिग्रेंट नहीं कहा जाएगा, जो कि गलत तरीके से बिना डॉक्यूमेंट के हमारे कंट्री में एंट्री करते हैं उसको इलीगल इमिग्रेंट कहते हैं. वैसे लोग जो कि अपना नाम नहीं देख पाए हैं तो वो फॉरेन ट्रिब्यूनल के साथ रजिस्टर करा सकते हैं या तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं. थर्ड है कि जो भी यहाँ पे पुअर गरीब लोग हैं अगर उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो गवर्नमेंट उसको कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लीगल एड प्रोवाइड करेगी. तो ये तीन तरीके का प्रोविजन दिया गया है जो कि पूरी तरीके से लोगों के फेवर में ही है, तो ये भी एक अच्छी बात है. ओके, तो गाइज़ आज के लिए बस ये दोनों टॉपिक रखते हैं क्योंकि हमारी टाइम हो चुकी है. अब हम लोग आगे देखेंगे सोशल मीडिया, तीन टॉपिक और बच गई जो कि मैं कल कंप्लीट करा दूंगी. ओके, तो गाइस अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूले. आप लोग लाइक करते हो, मेरे लेसन को पसंद करते हो, तभी मैं यहाँ पे आपको जिस दिन पब्लिश होती है उसी दिन लेसन लेकर आती हूँ. तो इसी तरीके से आप मुझे अपना प्यार देते रहिए और इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहिए, तो मैं ये आपका लेसन कंटिन्यू रखूँगी और हमेशा आपके लिए, जब तक आपकी एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक आप डिमांड करोगे तब तक मैं ये लेसन कंटिन्यू रखूँगी. ओके, तो अपने दोस्तों को ज़रूर रिकमेंड कर सकते हैं जो कि इस तरीके के विजन्स का या फिर कोई भी मैगजीन्स का अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो आराम से पढ़ सकते हैं. साथ ही हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको मेरे लेसन की नोटिफिकेशंस मिलेगी. और आपको अगर कोई भी तरीके का डाउट क्वेरी सजेशन है तो यू कैन कमेंट मी, आई श्योरली आंसर यू. ओके, सो थैंक यू.